सिग्नम फंक्शन के बाद, सिग्नम फंक्शन के बाद अब हम करेंगे टुडे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक इसके साथ ही आएगा लोएस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, एंड इसको बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। वो जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फ्लोर और सीलिंग क्यों बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके ये वाली ब्रैकेट से, या इसका एक नोटेशन है ये वाला। ठीक है, क्योंकि फ्लोर फंक्शन है ना, फ्लोर नीचे की तरफ होता है, ऐसे ही लोएस्ट इंटीजर फंक्शन इसको हम लिखते हैं ऐसे करके, क्योंकि ये सीलिंग फंक्शन है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होता क्या है, सपोज आपने इसको, आप हमेशा नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखोगे, सपोज आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 का निकालना चाहते हो, तो दिस इज 1, दिस इज 2, इन बिटवीन क्या हुआ 1.5। तो 1.5 की जो लेफ्ट साइड सबसे बड़ा इंटीजर है वो आएगा, इसमें क्या होता है लेफ्ट साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेफ्ट साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ जी, 1.5 के लेफ्ट साइड सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, जबकि इंटीजर तो जीरो भी बैठा है, -1, -2 सारे बैठे हैं, बट सब में से बड़ा कौन है 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर कितना आ जाएगा 1.5 का। अच्छा, अगर इटसेल्फ इंटीजर ही हो, खुद 2, अगर 2 ही हो तो आंसर 2 ही आ जाएगा। जो हमने ये देखना है कि लेफ्ट साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, वो किस में देखना है, फ्रैक्शंस में। इंटीजर के लिए वैल्यू क्या आ जाती है, इंटीग्रल ही आ जाती है। ठीक है, अब जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू इटसेल्फ एक्स से बड़ी होती है कि नहीं, बताओ। जैसे ये देखो 1.5 की केस में देखो, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया 1। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इटसेल्फ नंबर से क्या होता है, छोटा, और प्लस 1 से क्या होता है, बड़ा। ये वाली चीज याद रखना। जैसे ये देखो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया 1। ये 1.5 से छोटा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी है 1.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया 1। और 1.5 आप सिर्फ ये वाला इनक्वालिटी लिखो, सिर्फ ये ही लिखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इटसेल्फ जो नंबर है उसके या तो इक्वल होता है या उससे छोटा होता है। फॉर एग्जांपल आप इंटीजर वाला केस लो, इंटीजर वाले केस में x कितना आया 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना आया 2, तो दोनों क्या होंगे इक्वल। ठीक है जी, या उससे छोटा होगा, जैसे इस वाले केस में 1.5 आया यहाँ पे, 1.5 इससे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या है, कम है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास लो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1.5 ही है, फिर से आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे 1, 2 है 1.5। मैम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको स्मॉलेस्ट हाँ जी मैम, फंक्शन को ये देखो, ऊपर ये लगाया हुआ, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन। अब 1.5 के आपने राइट साइड देखना है, सबसे छोटा इंटीजर, इसमें क्या होता है राइट साइड स्मॉलेस्ट इंटीजर। हाँ जी बताओ, 1.5 की राइट साइड स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा होगा,
राइट साइड स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है? इसका बताओ जल्दी से. सेवन, क्योंकि ये सिक्स और सेवन के बीच में लाइक कर रहा है. हमने राइट साइड सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर देखा है तो ये आ गया. अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. मैम एक बारी ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऐसी जैसे नीचे एग्जांपल की तरह लिख के दिखाया ना वैसी करके दिखा दो. हाँ, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे निकालना है तो 1 और 2 के बीच में होता है 1.5 यहाँ पे, है ना. लेफ्ट साइड से बड़ा इंटीजर कौन सा है? लेफ्ट साइड पे 1, तो ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर. ठीक है, अब इसका आप ग्राफ देखो. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ध्यान से सुनना. जब वैल्यू जीरो होगी एक्स की तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? जीरो, है ना. ये रहा मेरा वन. वन के ऊपर कितनी वैल्यू आएगी? वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? वन. वन होगा. पर ये बताओ वन से पहले पहले जितने नंबर होंगे लाइक 0.7, 0.6, 0.8 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? वन. जीरो. 0.6, 0.7 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आएगा. तो जो ये वाले नंबर है अंदर वाले सबके लिए आंसर कितना आया? जीरो. तो ये वाली लाइन नहीं ड्रॉ हो जाएगी और वन पे क्योंकि वैल्यू ऊपर चली गई तो यहाँ पे ओपन सर्कल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो ऊपर चली गई है. ठीक है, अब आगे देखो. वन पे वैल्यू वन आई, ये है अगला टू. ठीक है, टू आ गया. टू पे वैल्यू कितनी आएगी? टू. पर टू से पहले पहले बताओ जैसे 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? वन. तो इसके लिए भी वैल्यू वन, इसके लिए भी वैल्यू वन, सबके लिए वैल्यू कितनी है? वन. तो ये वैल्यू वन तब तक आएगी जब तक टू इटसेल्फ नहीं आ जाता. टू पे जाते ही वैल्यू ऊपर चली जाएगी. ठीक है, ऐसे अगला बताओ. जैसे थ्री पे वैल्यू कितनी आएगी? थ्री. तो ये हो गया ये थ्री. दिस इज वन टू एंड दिस इज थ्री. और ये बताओ जब इससे पहले 2.5, 2.67 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? टू. तो यहां तक इसकी वैल्यू टू रहेगी पर थ्री पे जाते ये जंप कर जाएगा. अब आ जाओ नेगेटिव साइड. ये जीरो है, दिस इज माइनस वन. जब जीरो से कम है वैल्यू लाइक जीरो पे वैल्यू कितनी आई? जीरो. अगर वैल्यू यहाँ है माइनस 0.6, 0.7 तो सबकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस वन. तो माइनस वन आएगी पर जीरो पे वैल्यू जीरो है. यहाँ पे छोड़ के माइनस वन यहाँ तक माइनस वन वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वन का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? माइनस वन ही होगा. ये याद रखना, अगर अंदर इंटीजर है तो बाहर इंटीजर ही निकल आएगा. ठीक है जी. अब जैसे 1.5 है, इस केस में जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना 0.5 मतलब जो इसका डेसिमल पार्ट है वो काट दिया करो, वन आंसर आ जाएगा. 2.7 में डेसिमल पार्ट काट दो, टू आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, माइनस 1.5 में अब ये नहीं चलेगा कि 0.5 काट दो हो जाएगा, ये सिर्फ पॉजिटिव वालों के लिए. माइनस 1.5 में आपको देखना पड़ेगा इसमें आंसर कितना आएगा, माइनस टू, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है. तो ऐसे ही ये वाला बन जाएगा. ठीक है जी, ये आ गया. अब करते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ. मैम ग्राफ भी अभी कोई हैगा जी यूज? हाँ जी हैगा. जदों सर अगे आप इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे उदो काफी यूज हैगा. स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया. अभी डोमेन रेंज भी करेंगे ना फिर पता लग जाएगा. स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में, हाँ जी, जीरो का स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? जीरो ही आएगा. ठीक है, जीरो का जीरो आया. वन का कितना आएगा? वन. वन के लिए कितना आएगा? वन.
पर जो 0 और 1 के बीच में है 0.7 0.8 सबके लिए कितना आएगा? 1 1 आएगा, तो 0 पे वैल्यू 0 चलेगी और ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही 2 के लिए बताओ, इनके बीच वालों की वैल्यू कितनी आएगी? 2, 2 पे वैल्यू भी 2 है, ऐसे करके। अब आप दोनों को थोड़ा कंपेयर करो इस वक्त। जब 0 to 1 है तो ये क्या है? नीचे। 0 to 1 में ये क्या है? ऊपर। दिख रहा है ये 0 to 1 के बीच में? 0 1 इंटरवल में ये नीचे है, 0 1 इंटरवल के बीच में ये ऊपर है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन। इसलिए इसको फ्लोर बोलते हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ है सेम इंटरवल में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीलिंग फंक्शन, ठीक है मैम जी। इसका दोबारा रिपीट करना ग्राफ स्मालेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ये देखो, अगर 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो उसका आंसर कितना आएगा? तो ये 1 पे ग्राफ बन गया। 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आ गई तो 2 बनेगा, है ना, क्योंकि इसमें नेक्स्ट इंटीजर देखने हैं। इस वाले में पीछे वाला लेफ्ट साइड वाला इंटीजर, इसमें राइट साइड वाला इंटीजर। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ये नीचे बन रहा है, ये सेम इंटरवल पे ऊपर बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन एंड इट इज द सीलिंग फंक्शन। अब ये बताओ इसकी डोमेन क्या हुई? पहले वाले की डोमेन कितनी हुई? हम क्या रख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में? सब कुछ ही रख सकते हैं। तो डोमेन क्या हो गई मेरे पास? आर, ऑल रियल। पर इसकी ये बताओ रेंज क्या है? आंसर क्या मिल रहा है हमें? रेंज आंसर क्या मिल रहा है? कौन सी किस इंटीजर्स मिल रहे इंटीजर? हैं मैम? सिर्फ इंटीजर ही मिल रहे हैं। जैसे अगर तुम 1.5 का भी निकाल रहे हो तो 1 आएगा, किसी का भी आंसर और कुछ है नहीं। तो इसकी रेंज क्या होगी? इंटीजर। मैम पॉजिटिव इंटीजर होंगे। नहीं, नेगेटिव इंटीजर भी तो आ रहे हैं। लाइक -1.5 का कितना बताया था? -2 के नहीं। डोमेन इसकी बताओ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की, फुल आर। पर आप इसके रेंज क्या है, इंटीजर्स क्या आंसर आ रहे हैं इसमें? इसमें भी इंटीजर ही आ रहे हैं। वो अलग बात है कि इसमें लेफ्ट साइड वाले आ रहे हैं, इसमें राइट साइड वाले, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आंसर किसमें आ रहे हैं? इंटीजर में, ठीक है। सो दिस इज डोमेन एंड द रेंज ऑफ दीज मैम फंक्शंस, स्मॉलेस्ट में भी ठीक नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, जैसे थोड़ा -1 इसको -2 हो जाएगा। क्या -1 -2 मतलब? स्मॉलेस्ट इंटीजर जब हम ब्रैकेट में हाँ, लिखेंगे -1 तो उसका आंसर -2 ही आएगा ना राइट माइनस साइड। वन का स्मॉलेस्ट इंटीजर हाँ जी -1 ही आएगा। यही तो बताया कि इंटीजर के लिए इंटीजर ही आ जाता है। -1 का तो -1 ही आएगा। ठीक है। -1.5 का -1.5, पहले आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। ये आया -1, ये आया -2, हाँ इन जी बिटवीन क्या बैठा है? -1.5। वन तो हमने राइट साइड देखना है, और सॉरी -1 और ये -2, -1 ही आएगा। -1 ही आएगा इसमें। ओके जबकि ऊपर वाले में कितना आता है? टू आ जाता है -2। -2 आया था, इस हाँ वाले जी में -1 आएगा, ठीक है। हाँ, एक ये इनक्वालिटी जरूर लिख लेना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, कि ये एक्स से कम होता है और एक्स -1 से बड़ा होता है, ये जरूर लिख लो। आप चाहे चेक कर लो, एक्स की वैल्यू 1.5 रखो, इसमें पुट करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.5 कितना आया? 1। इट इज लेस देन इक्वल टू 1.5। उधर है 1.5 -1, दैट इज 0.5 से क्या होगा? बड़ा। तो 0.5 से बड़ा है, 1.5 से छोटा है। मैम स्क्रीन ब्लर हो गई है।
नहीं अभी ठीक हो गई मैं। बिल्कुल ठीक होगी मैम। हाँ तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिजल्ट है। नेक्स्ट आ गया फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन में क्या है, इसको ऐसे लिखा जाता है पहली बात तो, और ये होता क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये पता होना बहुत जरूरी है, काफी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ये वाला ब्रैकेट ना देके ये आएगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है पहले वो देखो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.5 देखना है, मतलब कि इसमें डेसिमल पार्ट कौन सा है। आप कहोगे 0.5। ठीक है, 2.7 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.7, और 1 में फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, कोई भी नहीं है तो 0। ठीक है, और चाहे आप इसको वेरीफाई करके देख लो, यहां से एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्स कितना था मेरा अंदर 1.5, माइनस आ गया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, वही आ गया ना नंबर में से आप उसका इंटीजर घटा दो तो 0.5 ही आया। ऐसे ये खुद एक्स क्या हुआ 2.7, उसमें से माइनस कर दो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हुआ 2, तो आंसर आ गया 0.7। नेक्स्ट में देखो एक्स खुद क्या है 1, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, तो आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, ये फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया। ये हर बार हमें क्या देगा, किसी भी नंबर के फ्रैक्शनल नंबर, तो इसकी डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगी, फुल आर मैम। कोई भी नंबर रखने से हमने मना तो नहीं किया इसमें कि आप इसी का ही फ्रैक्शनल निकाल सकते हो, कोई भी रखो सबका निकलेगा। तो डोमेन मेरे पास क्या हो गई, आर, और इसमें रेंज क्या है, रैशनल आर नंबर से आर माइनस आई। नहीं, जैसे किसी ने अभी कहा आर माइनस आई, मतलब 1 2 3 4 5 आंसर नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे, क्या किसी का आंसर 2.7 आएगा? नहीं नो मैम। तो रेंज बताओ, सोचो फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है। देखो या तो आंसर 0 आ रहा है, ये बताओ क्या कभी फ्रैक्शनल पार्ट 1 होगा, फ्रैक्शनल नहीं पार्ट कभी 1 होगा, नहीं होगा मैम। किसी का डेसिमल 1 इंटीजर्स माइनस होगा। नेचुरल रैशनल नंबर्स नंबर्स। आएंगे, रैशनल नंबर्स। अच्छा 3/2 रैशनल नंबर है, क्या आएगा, 3/2 इज रैशनल नंबर। 3/2 कितना होता है, 1.5, क्या ये आंसर है फ्रैक्शनल का, नहीं है, सोचो। इंटीजर्स माइनस नेचुरल नंबर्स। इंटीजर में से नेचुरल नंबर गए तो वो नेगेटिव इंटीजर बच गए। ध्यान से देखो इसका आंसर 0 आएगा, 1 इसका आंसर कभी नहीं आएगा, और आंसर क्या आएंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो वो किस किसके आते हैं, इस ये नहीं आएगा, 0 इंक्लूडेड 1 नहीं आएगा कभी फ्रैक्शनल पार्ट, और इनके बीच वाले जो नंबर है वही तो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, तो इसकी रेंज ये नहीं होगी। देखो जी, अच्छा मान लो अगर इसको प्रूफ भी करना है मैम कि ओपन इंटरवल नहीं आएगा 0 to 1। नहीं, बच्चे 0 आंसर आ नहीं रहा है, देखो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, और 1 का ओपन इंटरवल। हाँ क्योंकि कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर 1 नहीं आएगा, बता दो तुम कोई ऐसी एग्जांपल जिसमें 1 आए, नहीं बनेगा। ठीक है, अब जैसे मानो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो किस किस के बीच में लाई करता था, अभी बताया था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बट लेस देन इक्वल टू एक्स बट ग्रेटर देन एक्स माइनस 1, यही है। अब आप सारे के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होता है, नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन, और ये आ गया माइनस एक्स। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के आगे लग गया नेगेटिव, और मेरे सारे साइन चेंज कर दिए, यहाँ पे भी नेगेटिव लगा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ नेगेटिव आ गया। अब इसमें ऐड क्या करना रह गया, प्लस एक्स, सारे में प्लस एक्स कर दो,
एक्स प्लस किया तो एक्स माइनस ये बन गया, एक्स प्लस करो तो जीरो बन गया, एक्स प्लस करो तो वन बन गया, ये आ गया। तो यहां से क्या आया कि इसकी वैल्यू जीरो और वन के बीच में होगी, और जीरो साइड क्या है, इक्वल टू का साइन। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, ये किसको बिलोंग किया, जीरो वाली साइड क्लोज और वन वाली साइड ओपन। हाँ हाँ देखो जी, क्लियर है? एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, इसके बाद पॉलिनोमियल, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना सिर्फ ई रेस टू पावर एक्स को कहते हैं, ए रेस टू पावर एक्स को भी क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसी भी नंबर की पावर की एक्स को, जैसे टू रेस टू पावर एक्स, दिस इज ऑल्सो अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है जी। अब इसको स्टडी करेंगे कि इसका ग्राफ वगैरह कैसे बनेगा। अब ये देखो, x की वैल्यू को आप जीरो रखो, कितना है आंसर, जब x की वैल्यू जीरो है तो y कितना है, वन। तो जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू क्या होगी, वन। तो एक तो ग्राफ इसमें से पास करेगा, जब x की वैल्यू जीरो तो y की वैल्यू वन, क्योंकि y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, जब x की वैल्यू कम होगी, x की वैल्यू जब कम होगी तो किसके पास जाएगी, जैसे ये देखो, x की वैल्यू कम होते होते आप मान लो x की वैल्यू आप माइनस इंफिनिटी की तरफ लेके जा रहे हो, यहां पे माइनस इंफिनिटी, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी यहां रखना, माइनस इंफिनिटी e रेस टू पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, वन अपॉन e रेस टू पावर इंफिनिटी है ना। e क्या है, 2.7, 2.7 की पावर जब आप इंफिनिटी करोगे, बहुत बड़ा नंबर, तो वो भी क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, तो 1 बाय इंफिनिटी कितना आ गया, जीरो। मतलब कि जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही है, माइनस इंफिनिटी है, तो जो मेरा फंक्शन है वो किसके पास जा रहा है, जीरो के पास, तो y की वैल्यू इसमें क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ऑलमोस्ट नीचे को कम हो जाएगी, जीरो के पास जाएगी। पर जब आप x की वैल्यू इंक्रीज करोगे, जैसे x की वैल्यू 2 रखो, 3, 4, 5, 6, जब आप x की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो ये किसके पास जाएगा, x अगर इंफिनिटी के पास गया तो e रेस टू पावर x क्या बन गया, e रेस टू पावर इंफिनिटी, e क्या होता है, 2.7 समथिंग, उसकी पावर इंफिनिटी मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर, तो वो भी बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो दैट्स वाई ये ऐसे करके ग्रो कर जाएगा एकदम से, और y की वैल्यूज क्या आएंगी, बहुत ज्यादा बड़ी ये y की वैल्यूज होंगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ e रेस टू पावर x, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया ये ले लो, अगर e रेस टू पावर 2x, e रेस टू पावर 3x, e रेस टू पावर 4x है तो ग्राफ कैसे होते हैं, सारे को ड्रॉ करूंगी मैं। अगर x की वैल्यू 0 है, सब केस में x की वैल्यू 0 रखो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। सब हर केस में एक्सपोनेंशियल यहां से निकल के पास होके जाएगा 0, 1 से, ठीक है। और जब आप e रेस टू पावर x कर रहे हो, सपोज आपका ग्राफ ये है e रेस टू पावर x का, ठीक है, तुम ही बताना हो, अगर तुमने e रेस टू पावर 2x कर दिया, जब तुम x की वैल्यू 1 रख रहे थे तो e आंसर आ रहा था, जब x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो अब कितना आया, e स्क्वायर, तो ये वाला नंबर उससे बड़ा होगा कि छोटा होगा, e रेस टू पावर 2x बड़ा होगा ना, बड़ा होगा ना, मतलब जो e रेस टू पावर 2x है वो e रेस टू पावर x से और भी जल्दी ग्रो करेगा, तो e रेस टू पावर 2x जल्दी ग्रो करेगा, 3x उससे भी जल्दी ग्रो करेगा, और 4x उससे भी ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू 1 रख रहे हैं, यहाँ 2 into 1 हो रही है, यहाँ 3 into 1, यहाँ 4 into 1, और भी जल्दी ग्रो करेगा, तो
पीछे, पर जब ये पीछे से देखेंगे तो ये नीचे को होके आएगा, यहां से जो वैल्यू है वो ई रेस्ट पर 2x बन जाएगा, ई रेस्ट पर 3x। तो ज्यादा जल्दी वैल्यू गेन करेगा तो अंदर को बनेगा इसका ग्राफ, जितनी आप वैल्यू इंक्रीज करोगे, ठीक है। क्योंकि जल्दी ये देखो ना, जैसे यही है फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन ये वाई की वैल्यू छोटी ले रहा है, पर ये ई रेस टू पार टू एक्स वाला उससे बड़ी वैल्यू ले रहा है, और ई रेस टू पार थ्री एक्स वाला वाई की उससे भी बड़ी वैल्यू ले रहा है, क्योंकि ये हमें पता ही है एक्स इक्वल टू वन पे। तो ये ग्राफ अंदर को बनेगा, ठीक है जी। ऐसे ही अगर मेरे ई रेस टू पार माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, जैसे ये ग्राफ है उसको बस आप इधर कर दो, ई रेस टू पार माइनस एक्स, ठीक है। और माइनस टू एक्स के लिए, हाँ जी, और नेगेटिव में जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा आएंगी, अगर आप एक्स की वैल्यू रखोगे तो और भी ज्यादा छोटी वैल्यू आएगी, तो ये अंदर को जाएगी कि बाहर को जाएगी, बोलो। अगर आप एक्स की वैल्यू वन रख रहे हो तो ई कितना आया, ई रेस टू पावर माइनस वन, वन बाय ई। अगर एक्स की वैल्यू टू रखी तो वन बाय ई स्क्वायर, तो वन बाय ई स्क्वायर छोटा नहीं, वन बाय ई से तो छोटी वैल्यू आएगी, इस वजह से ये ग्राफ इधर को होगा e raised to power minus 2x का। क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू जो भी रखूंगी उसके लिए इसकी छोटी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। ये बस ये मेन चीज है कि ये ग्राफ अंदर को जाता है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। डोमेन क्या हुई ई रेस टू पार एक्स वाले फंक्शन की, डोमेन कौन कौन सी नंबर एक्स की कुछ भी रख सकती हो रियल, पर इसकी रेंज क्या थी, आंसर किस में आए थे बोलो, इनफिनिटी मैम ना। ई रेस टू पार एक्स का ग्राफ ये है, आंसर वाई। देखो रेंज जब देखनी है तो वाई को देखना है, जब डोमेन देखनी है तो एक्स को देखना है, तो बताओ वाई आंसर किस में आया, रियली मैम नहीं, रेंज बताओ वाई आंसर किस में आया। जब भी वाई के आंसर देखने हो तो ये देखो वाई एक्सिस के लिए कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, इंटीजर्स, इंटीजर्स सब पॉजिटिव वैल्यूज है सारी की सारी। हाँ ये देखो, जब तुमने ग्राफ ड्रॉ किया तो इसके इस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग वाई के ऊपर वैल्यू देखो, ये आई, ये आई, ये आई, y के ऊपर वैल्यू देखो ना, क्योंकि तुम रेंज देख रहे हो, ऐसे तुम इसके इसके ऊपर y की वैल्यू देखो, क्या देखो नीचे कोई y की वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही हमेशा। अच्छा जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या ये ग्राफ जीरो के पास जाएगा, नहीं जाएगा, नीचे की तरफ जाके e raised to power minus infinity बनता है, जीरो के पास जाता है, जीरो नहीं बनता। तो इसकी रेंज क्या हुई, जीरो टू इंफिनिटी, ओपन आएगा जीरो, क्योंकि ये जीरो कभी नहीं होता, ये फंक्शन जीरो, जीरो के बस पास जाएगा, और ऊपर ये क्या है पॉजिटिव साइड इंक्रीज हो रहा है, तो वाई की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हमने देख ली, तो जीरो टू इंफिनिटी इसकी क्या होगी, रेंज, ठीक है जी। बस आप ये चीज बार बार याद रखना, ग्राफ सारे सेम बनेंगे, अगर ई रेस टू पार एक्स है तो बाहर को होगा, ई रेस टू पार टू एक्स का अंदर को होगा, ऐसे ही अंदर को जाएंगे सारे ही ग्राफ अंदर को जाएंगे जब आप इंक्रीज करोगे। ऐसे ही ई रेस टू पार माइनस एक्स का ग्राफ ये है, अंदर को जाएंगे ग्राफ, ई रेस टू पार माइनस टू एक्स का ग्राफ ये है, और माइनस थ्री एक्स वाला और अंदर, ऐसी इसका e raised to power 3x, ठीक है। जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करोगे दोनों साइड फंक्शन अंदर को होते जाएंगे, ठीक है जी। पहले तो आपने बाहर को बनाया था e minus x 2x minus 2x उसके बाहर बनाया था, वो कैसे, ये देखो ना आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे, चेक ही कर लेते हैं, x की वैल्यू माइनस वन रखो,
हाँ जी, अगर एक्स की वैल्यू -1 रखी माइनस एक्स में, -2x में, -3x में, एक्स की वैल्यू -1 रखी तो कितना आएगा e, यहां रखा तो e^2, e^3, कौन बड़ा होगा? हाँ जी e से e² बड़ा होगा, e³ बड़ा होगा, तो छोटी वैल्यू सबसे कौन सी है? e वाले माइनस की, भी लेंगे। हाँ e² वाले की, फिर e^3 की, क्या कह रहे हो? साथ में नेगेटिव नहीं आएगा। पर एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है ना इधर वाली साइड, क्या नहीं? एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रखूंगी ना, एक्स की वैल्यू क्या रख रही हूँ? -1, तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है? पर इधर उल्टा बनेगा, इस वाले में नीचे जाते हैं, इस वाले में ऊपर को जाएंगे, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 के लिए फिर ग्राफ उल्टा हो जाएगा। वो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाली चीज याद रखना सिर्फ, ठीक है? कि अंदर को जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। अब आ गया लॉग फंक्शन, लॉग रिथमिक। लॉग फंक्शन हमने करना है, पहली बात जो याद रखने वाली है लॉग वाले में, कि आप कभी लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू नहीं निकाल सकते, नेगेटिव वैल्यूज का लॉग नहीं होता। दूसरी बात, लॉग ऑफ जीरो क्या होता है? ये तब जीरो के जैसे ही ऐसे लिखूंगी, जब एक्स जीरो के पास जाएगा, जैसे जैसे लॉग जीरो आएगा, वैसे वैसे जो लॉग एक्स है वो -∞ की तरफ जाता है, वो अभी मैं ग्राफ पे बताऊंगी। थर्ड बात, कि लॉग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वैलिड है। अच्छा, चौथी बात ये बताओ कि log 1 कितना होता है? हाँ, जीरो। जीरो log 1 जीरो होता है ना? इतनी इंफॉर्मेशन से हम ग्राफ बनाएंगे। अब ये देखो, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, मतलब कि ये वाला पॉइंट, जब x की वैल्यू 1 तब वाई क्या है? 0। तो ग्राफ यहां से पास होके जाएगा, इट लाई ऑन द ग्राफ, जब एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 0, तो जो ये पॉइंट है इट लाई ऑन द ग्राफ। अब जैसे जैसे ये वाली जो एक्स की वैल्यू है, जब एक्स 0 की तरफ जाएगा, मतलब जब हम यहां से इधर को मूव करेंगे, तब तब जो मेरा ग्राफ है वो कहाँ चला जाएगा? -∞ के पास। अब log x -∞ के पास जा रहा है, मतलब कि y इन्फिनिट -∞ के पास जा रहा है y। हाँ जी, तो मैंने y देखना है, जब इधर को जाएंगे नेगेटिव 0 की तरफ जाएंगे तो इसका ग्राफ नीचे को जाएगा, नीचे को जाएगा मतलब कि -∞ की तरफ, ठीक है? इधर वाली साइड कोई ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए कोई ग्राफ नहीं है। और जैसे ही एक्स की वैल्यू बढ़ेंगी, ऐसे वैसे वैसे ग्राफ भी इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द लॉग एक्स, ठीक है? देखो जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो डोमेन बताओ इस फंक्शन की क्या है? पॉजिटिव एक्स मतलब कि पॉजिटिव अरे, रियल वैल्यू पॉजिटिव एक्स के नंबर 0 रख सकते हो, नो लॉग मैम। जीरो रख सकते हो, क्योंकि जीरो के लिए डिफाइन नहीं है, -∞ की तरफ जाता है जब एक्स जीरो के पास जाएगा, पर जीरो कभी नहीं होता, तो जीरो भी नहीं होता इसमें। 0 to ∞ रेंज क्या है? देखो रेंज वाई की रियल वैल्यू, नंबर हाँ वाई की वैल्यू देखो, ये देखो जो ग्राफ बनाया उसको इधर वाई पे देखो, वाई की क्या क्या वैल्यूज आ रही है, इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज होगा। देखो नीचे से वैल्यू लेनी शुरू की, ऊपर तक जा रही, तो रेंज आई -∞ to ∞, ठीक है जी? अच्छा, एक चीज और, अगर आप एक्सपोनेंशियल चेक करो,
उसका डोमेन क्या था? ऑल रियल, मतलब कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अगर कोडोमेन देखूं तो सॉरी रेंज 0 to infinity। अब ध्यान से देखो, इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज है, जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज है। मतलब कि एक लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं बोलो? इनवर्स इनवर्स फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, पर हर केस में नहीं होते। डिपेंड करेगा बेस क्या है। जैसे लॉग ई एक्स है तो इसका इनवर्स होगा ई रेस्ट फॉर एक्स। अगर लॉग का बेस 10x है तो होगा 10x इसका इनवर्स। अगर लॉग ए एक्स है तो ए रेस्ट टू पावर एक्स हो जाएगा। ये कर लो नोट। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन भी है इवन कि लॉग का इनवर्स फंक्शन कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है जी। एक जितेंद्र एक काम और करना है, अभी तक जितनी भी पीडीएफ्स है ना, सेट थ्योरी, रिलेशन, बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, वो आज दोबारा से आप सेंड कर देना। ठीक है, कुछ बच्चे ठीक है क्लास मैम, में थे। ओके मैम, कुछ नए क्लास के बच्चे हैं तो उनको हेल्प हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट हो? नेक्स्ट आ गया पॉलीनोमियल फंक्शन। पॉलीनोमियल फंक्शन तो हम सबको आता ही है। क्या होता है पॉलीनोमियल फंक्शन? एक इंडिटर्मिनेंट होता है इसमें एक्स, जो हम कह सकते हैं वेरिएबल है ना, इंडिटर्मिनेंट होता है। और एक्स की जितनी भी पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, कोई भी फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। लाइक दिस, दिस इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन। इज दिस अ पॉलिनोमियल फंक्शन? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि एक्स की पावर कितनी है? हाफ। होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर वाली ही क्या होती है? पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, डोमेन क्या आ गई इसकी बोलो? इस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी? क्या रख सकते हो एक्स इसके अंदर? एक्स की वैल्यू कुछ भी मैम, कुछ भी रखो। रियल हाँ, रेंज क्या आएगी? कुछ भी आ रियल सकती है, रियल। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। रेंज इसकी दो टाइप की होती है। अगर एक्स की जो डिग्री है वो ऑड है तो कुछ और आंसर होते हैं, अगर एक्स की वैल्यू इवन है तो कुछ और आंसर होते हैं। तो रेंज किस पे डिपेंड करती है? पॉलिनोमियल पे। जैसे एग्जांपल ही ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और पी एक्स इक्वल टू एक्स, सब इनके ग्राफ जानते हैं। पी एक्स क्या हुआ? फंक्शन है, तो वाई लिख सकती हूँ। इसको भी क्या लिख सकती हूँ? वाई। जब आपने एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू ग्राफ एक्स कौन सा है? ये वाला। तो स्ट्रेट आप लाइन इसकी, हाँ, स्ट्रेट लाइन। रेंज बताओ इसकी क्या है? माइनस रेंज, इनफिनिटी टू इनफिनिटी, रेंज के लिए आप क्या करोगे? जो आपका ग्राफ है उसको वाई के ऊपर देख लोगे। तो ये नीचे को जा रहा है, ये ऊपर को। तो रेंज कितनी हुई इस केस में? ऑड वाले केस में माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इवन वाले केस में बताओ ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें मैम सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी फिर। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये एक पैराबोला होता है। पैराबोला कैसे ड्रॉ किया जाता है? एक्स दो है, वाई क्या है? एक, और वाई भी पॉजिटिव साइड वाला। तो ये ग्राफ बन पैराबोला। अब इसकी रेंज देखने के लिए क्या करोगे? रेंज देखने के लिए क्या करोगे? वाई के ऊपर
ऐसे ड्रॉ करके लिखोगे। रेंज क्या बनी, जीरो पे आंसर कितना आ रहा है, जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू क्या है, जीरो। तो इसकी रेंज क्या बनी, जीरो इंक्लूड अप टू इंफिनिटी। तो इवन वाले केस में रेंज कितनी हुई, जीरो टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ऐसे करके रेंज डिफर करती है, बाकी केसेस में कुछ रेंज और होगी, ऐसे करके हम देख लेंगे। ठीक है, देखो क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन में आप क्या करोगे, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है डिवाइडेड बाय नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, इसको क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। आर एक्स लिखोगे स्मॉल, दिस इज अ रैशनल फंक्शन, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। अब इसकी डोमेन बताओ। एक चीज याद रखनी है कि जो नीचे वाला जी एक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं डोमेन कब बताऊंगी, जब मुझे फंक्शन एग्जैक्ट गिवन होगा तभी मैं डोमेन बता पाऊंगी। इट डिपेंड अपॉन फंक्शन क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक ये वाला दिया एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन, ऊपर नीचे पॉलिनोमियल है, डोमेन क्या हुई इसकी कि एक्स की वैल्यू हम वन नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख सकते हैं। तो आर माइनस वन, इस अकॉर्डिंगली हम रेंज निकाल लेंगे। रेंज निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था ना कि इसको वाई पुट कर दिया करो, कल ये क्वेश्चन कराया भी था, तो वहां से हम इसकी रेंज फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, जैसे ये देखो, इसको करो एक बार, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन, वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस टू, x कॉमन y माइनस वन वाई प्लस टू, तो x की वैल्यू आ गई y प्लस टू ओवर y माइनस वन। तो रेंज में क्या नहीं आएगा, y की वैल्यू वन नहीं आएगी, वन नहीं आएगी। और क्या कभी इसकी वैल्यू वन होगी, इसकी वैल्यू कभी वन होगी, अगर ऐसी कोई वैल्यू है जिसके लिए इसकी वैल्यू वन होगी तो भी उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि x की वैल्यू वन नहीं हो सकती। x की वैल्यू वन रखना तो आया y प्लस टू वाई माइनस वाई, इसको ऊपर ले जाओ तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही आएगी, रेंज क्या आएगी, एक माइनस हो जाएगी, क्योंकि आप वाई की वैल्यू वन नहीं रख सकते। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास एल्जेब्राइक फंक्शन। कौन सा होगा एल्जेब्राइक फंक्शन, वो होगा या तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो या फिर वो रैशनल फंक्शन हो, दोनों ही फंक्शन क्या होंगे, एल्जेब्राइक फंक्शन। और जो एल्जेब्राइक फंक्शन नहीं होते वो सारे कौन से होते हैं, ट्रांसडेंटल फंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला कॉस एक्स प्लस वन इक्वल टू, हाँ ये वाला फंक्शन वाई इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वन, हाँ जी, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, नहीं है, पॉलिनोमियल जैसा तो दिखता नहीं, रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन में क्या होता है, दो पॉलिनोमियल का डिवाइड, ना तो पॉलिनोमियल है ना रैशनल है,
तो जो फंक्शन अलजेब्रिक नहीं होता वो कौन सा होता है? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो सारी पता है आपको, साइन कॉस टैन कोसेकेंट सेकेंट कॉट, ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कौन से होते हैं? साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, ये सारे मेरे पास क्या हो गए? इनके ऊपर इनवर्स लगा के। इसके बाद आ गया इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन कौन सा होता है? जैसे मान लो कोई आपके पास मैम इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं डिस्कस करेंगे? नहीं 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 अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, इससे पहले आपको आना चाहिए कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, कंपोजिशन देखो कैसे करते हैं। मान लो कोई एक फंक्शन है a टू b, ठीक, और अनदर फंक्शन है g, वो है मान लो d टू c। अगर मान लो आपने गॉफ डिफाइन करना है, गॉफ गॉफ फंक्शन क्या होता है? कॉम्पोजिट फंक्शन। तो आप पहले इसको कैसे लिखोगे? आप पहले a टू b देखो कोई फंक्शन, जैसे ये f है, ठीक है, फिर आप आगे मान लो g लिखना चाहते हो, दैट इज d टू c g। गॉफ में क्या होता है, जो पहले आगे है ना g, वो पीछे होता है, मतलब ये फुल फंक्शन एक्चुअली क्या बनेगा? गॉफ फंक्शन बनेगा, g ऑफ f, ठीक है। पर ये तब बनेगा अगर इसका जो कोडोमेन है वो इसकी डोमेन के या तो इक्वल हो या उसके अंदर कंटेन्ड हो, तभी बनेगा, तभी गॉफ डिफाइन होगा। तो गॉफ कहां से कहां तक होगा? a से लेके c तक। पहले कर लेते हैं। अब मान लो मुझे फॉग डिफाइन करना है, फॉग, फॉग के लिए देखो f पहले आ रहा है, तो याद रखना ड्रॉ कैसे करोगे? पीछे पहले, अगर g बाद में है तो उसको पहले ड्रॉ करोगे, g वाला ड्रॉ करो, d टू c, ये g फंक्शन हो गया, ठीक है। एफ फंक्शन जो है वो कहां से कहां है? ए टू बी। अब मैंने आपको बताया था फॉग कैसे डिफाइन करूं, जो पीछे वाला है वो आगे आ जाता है, पीछे ये जी जो आगे है वो पीछे चला जाएगा, तो ये डी टू बी मेरे पास क्या बनेगा? फॉग फंक्शन। पर बनने का कंडीशन क्या है कि जो पहले वाला फंक्शन है उसका जो कोडोमेन है वो दूसरे की डोमेन के अंदर होना चाहिए। तो ये तो आपने सीख लिया थ्योरेटिकली। अब ये क्यों इसके अंदर होना चाहिए वो देखो। आप मान लो एक फंक्शन है, ये बनाते हैं 1 2 3 ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी, इट इज ई 6 7 8 9 10, ठीक है। ये मेरे पास हो गया f फंक्शन, ये मेरे पास हो गया g फंक्शन। देखो 1 a पे जा रहा है, 2 b पे, 3 c पे, f फंक्शन में। g फंक्शन में a 6 पे, b 7, c 8, d 10 पे, 9 मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब ना मैंने मान लो दो फंक्शन डिफाइन करने हैं, एक तो फोग एक गॉफ। फोग के लिए क्या बताया था कि जो एफ है वो पीछे रहेगा, जी वाला आगे, तो जी वाले को पहले ड्रॉ करोगे, पीछे किसको करोगे? एफ वाले को पहले जी ड्रॉ करो, जी करना ए बी सी डी, यहां आ गया 6 7 8 9 10, ए गया 6 पे, B गया 7, C गया 8, D गया 10। अब देखो जब मैं यहाँ पे F ड्रॉ करूंगी, F, तो क्या पहले 6 कहीं जाना चाहिए ना, पर F वाले केस में बोलो डोमेन क्या बैठी है? 1 2 3,
पर आप अब इससे आगे वाली गाड़ी कैसे चलाओगे जब यहाँ पे 1, 2, 3 ही गिवन नहीं है, यहाँ पे क्या है 6, 7, 8, 9, 10। तो ध्यान से देखो, जो कोडोमेन ऑफ जी है, जी वाले का कोडोमेन ये है, और एफ वाले का डोमेन क्या है, एफ का डोमेन लिखना 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 इसका एफ का डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ। ये क्या है कोडोमेन 6, 7, 8, 9, 10, और जो डोमेन ऑफ एफ है वो क्या है 1, 2, 3। क्या देखो, चेक करो क्या ये इसके अंदर कंटेन्ड थी, बोलो क्या कोडोमेन ऑफ जी कंटेन्ड इन डोमेन ऑफ एफ थी, एफ की डोमेन के अंदर 1, 2, 3? नहीं थी, नहीं थी, तभी जो आगे फंक्शन प्रोसीड नहीं हो पाया। अब आप यही चीज गोफ वाले में देखना क्या होगा। गोफ वाला बनाओ आप, गोफ में क्या करना था, पहले एफ लिखना होता, एफ क्या था 1, 2, 3, कहां जा रहा था ए बी सी पे, 1 A पे 2 B 3 C पे, ये है मेरा एफ फंक्शन। जी वाला फंक्शन ड्रॉ करो, जी के लिए क्या चाहिए A B C D। तो देखो जी के लिए ए बैठा है बी बैठा है सी, एक्स्ट्रा क्या लाना पड़ेगा डी, और इनको मैप कर दो, ए जा रहा है 6 पे, ये 7 पे, ये 8 और ये 10, 9 बेचारा रह गया, ठीक है कोई नहीं। अब आप गोफ डिफाइन करो, गोफ के लिए क्या करोगे जी ऑफ एफ, देखो 1 गया ए पे, ए गया 6 पे, तो गोफ में जो 1 है वो 6 पे चला गया, 2 गया बी पे, बी गया 7 पे, तो 2 होल सोल कहां गया 7 पे, 3 गया सी, सी गया 8, तो 3 गया 8 पे, ठीक है। अब ये देखो, हमने जब फंक्शन बनाना होता है हम क्या चेक करते हैं कि जो भी फंक्शन है ये वाला उसकी डोमेन सारी मैप हो जानी चाहिए। ये देखो 1 मैप हो गया कि नहीं, बोलो 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, अगर ये तीनों हो गए ना मैप तो बस फंक्शन बन गया। अब हमने क्या लेना, डी आगे जा रहा था नहीं जा रहा था उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि कॉम्पोजिशन फंक्शन में इन तीनों को देखना है कि ये कहां मैप करेंगे, बस इतना काम करना होता है। तो ये क्या बन गया मेरा गोफ फंक्शन। और आप अब ध्यान से देखना, अब जो एफ की कोडोमेन है, कोडोमेन ऑफ एफ क्या है, बोलो कोडोमेन ए बी सी डी, सॉरी एफ की थी ए बी सी ओनली। अगर आप जी की डोमेन देखो, डोमेन ऑफ जी, जी की डोमेन क्या थी ए बी सी डी, चलो ध्यान से देखो क्या ये इसके अंदर कंटेन्ड है, ए बी सी इज कंटेन्ड इन ए बी सी डी, ये इसके अंदर कंटेन था तभी गो फंक्शन क्या हो गया था डिफाइन। तो ये वाली कंडीशन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू मेक गो फंक्शन या कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है जी। कुछ पूछना हो तो बताओ, नेक्स्ट हम कर रहे थे इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, कोई आपके पास एफ फंक्शन है, आप इसका इनवर्स निकालना चाहते हो, मान लो कि इसका इनवर्स जी है, तो दोनों की जो कॉम्पोजिशन है ना वो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता था, जो एक्स को एक्स के ऊपर ही छोड़ा है, मतलब आई ऑफ 1 क्या हो 1, आई ऑफ 2 क्या हो 2, ऐसा फंक्शन। तो फोग अगर आई के इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे, जी इज इनवर्स ऑफ एफ,
एंड एफ इज इनवर्स ऑफ जी, ये एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे, एफ इज इनवर्स ऑफ जी, जी इज इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है। इवन आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ये दोनों चेक करने होते हैं, पर अप टू मास्टर कैटेगरी लेवल शायद यहां तक आपका काम चल जाएगा कि आप ऐसे देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया फॉग ऑफ एक्स को, अच्छा फॉग को मैं एक्स से लिख सकती हूँ, आई ऑफ एक्स, दोनों साइड एक्स एक्स लगा दिया, नंबर लगा दिया जिसपे ये अप्लाई होंगे, ठीक है। अब आई ऑफ एक्स की वैल्यू वहां लिखी हुई है, कितना आ गया एक्स। तो ये आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा एफ का जो इनवर्स है वो जी आया। आप क्या करोगे, ये चेक करोगे कि फॉग ऑफ वन वन बन रहा है या फॉग ऑफ एक्स एक्स बन रहा है। अगर फॉग एक्स पे अप्लाई करके एक्स बन गया तो मैं उसको क्या कहूंगी कि दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है जी। अब जैसे एक फंक्शन ये लो एफ एक्स लॉग ई एक्स, दूसरा आप लो जी ऑफ एक्स दैट इज ई रेस्ट पर एक्स। अभी मैंने आपको क्या कराया था कि ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। तो आप पहले फॉग देखो कितना आएगा, फॉग, हाँ जी, एफ ऑफ पहले जी ऑफ एक्स लिखोगे, इसको ऐसे भी लिखा जाता है फॉग को, आप ऐसे भी लिख सकते हो फॉग को, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और गो ऑफ ऑफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हाँ जी, एफ जी एक्स की वैल्यू कितनी हुई बोलो, जी एक्स की वैल्यू e raised to power x। अब आप क्या करो, जहां f के अंदर x था, x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, e raised to power x, जहां x है वहां e raised to power x कर दो फंक्शन के अंदर, f के अंदर। तो ये आया log e बेस e e x। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी पता हो कि अगर बेस सेम है तो log e कितना होता है, 1, है ना, ये कट जाते हैं तो आंसर कितना आ जाता है x। अब देखो जो fog of x है वो कितना आ गया, x आ गया। मैंने अभी बताया था ना कि अगर fog x के इक्वल आ जाए तो जो g है that is inverse of f, तो exponential function is inverse of log function and log is inverse of exponential function। देखो जी क्लियर है, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन था, चलो वो भी हो गया साथ के साथ। बाउंडेड पीरियोडिक इवन ऑड, नेक्स्ट आ गया हमारे पास बाउंडेड फंक्शन, फिर आ गया मेरे पास पीरियोडिक फंक्शन, फिर आ गया मेरे पास इवन फंक्शन, देन है ऑड फंक्शन। पहले तो बाउंडेड फंक्शन देखो, कोई भी फंक्शन है वो बाउंडेड कब होगा, मान लो कोई फंक्शन है f दैट इज फ्रॉम x टू y, ठीक है, दिस फंक्शन इज बाउंडेड इफ f अप्लाई ऑन x, जब हमने f को x के ऊपर अप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गई, रेंज आ गई ना, जब पूरे x के ऊपर अप्लाई कर दिया तो रेंज आ जाएगी, when range is bounded actually, जब इसकी रेंज बाउंडेड होगी तो मैं फंक्शन को क्या कहूंगी, बाउंडेड फंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो साइन x फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन x, हमें पता है जब आप x की वैल्यू रखोगे, डोमेन क्या होती है साइन x फंक्शन की, फुल r,
ना, जब आप एक्स रखते जाओगे तो इसकी रेंज क्या आएगी बोलो। -1 और 1 के बीच है। हाँ, रेंज ऑफ साइन एक्स जो है ये -1 और 1 के बीच में आती है ना। -1 और 1 के बीच में होने के कारण, क्योंकि रेंज इसकी बाउंडेड है माइनस और 1 और 1 के बीच में, तो दिस फंक्शन इज अ बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, अब आप एक ये वाला फंक्शन देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये भी कराया था अभी। इसकी डोमेन क्या है आर, रेंज क्या है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, दैट इज फुल आर। क्या ये बाउंडेड है, इसकी रेंज नहीं है, तो दिस फंक्शन इज अनबाउंडेड फंक्शन, क्योंकि इसकी रेंज बाउंड नहीं हो रही। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लो, ये अनबाउंडेड फंक्शन है। अब नेक्स्ट आ गया पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, मतलब कि एक्स प्लस टी, आप एक ऐसा नंबर टी ढूंढोगे जब भी आप उसको फंक्शन में ऐड करोगे तो दोबारा फंक्शन ही मिल जाएगा, इस टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि साइन 2 पाई प्लस एक्स कितना होता है, साइन 2 पाई पे चेंज होता है नहीं, और 2 पाई प्लस करने से ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये कितना आ जाएगा दोबारा से साइन एक्स। ध्यान से देखो, फंक्शन एफ एक्स क्या था, साइन एक्स, आपने क्या पुट किया, एक्स प्लस 2 पाई, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई, तो साइन एक्स प्लस 2 पाई करने से दोबारा से साइन एक्स आ गया। इसको ऐसे नहीं लिख सकती कि फंक्शन में मैंने 2 पाई ऐड किया तो दोबारा से फंक्शन आ गया, तो 2 पाई ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे तो 4 पाई करने से भी नहीं पड़ रहा, 6 पाई करने से भी नहीं पड़ रहा। एक जो ये टी है ना, ये वाला टी, दिस टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन का पीरियड कितना है। अभी मैंने आपको क्या कहा कि साइन एक्स फंक्शन के लिए 2 पाई ऐड करो, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक और बात, ऐसे तो -2 पाई भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पीरियड होता है ना वो पॉजिटिव नंबर होता है, तभी मैंने सारे पॉजिटिव नंबर लिखे हैं। इन सारे पॉजिटिव नंबर में से जो सबसे छोटा है 2 पाई, वही क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड, जिसको हम मेन मानते हैं फंडामेंटल पीरियड। ऐसे तो 4 पाई से फर्क नहीं पड़ता 6 पाई से, पर जो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है दैट इज द फंडामेंटल पीरियड। टी क्या होता है, जो पीरियड है फंडामेंटल पीरियड, ये क्या होता है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। देखो जी, क्लियर है। टेन का पीरियड कितना होता है, टेन का पीरियड बाय। पाई। अब नेक्स्ट आ गया अगर किसी फंक्शन का पीरियड टी है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, फंक्शन में एक्स की जगह अगर मैं ए एक्स प्लस बी रख दूं तो उसका पीरियड हो जाएगा टी बाय मॉड ए, ये वाले ए से क्या हो जाएगा डिवाइड, बी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको कहूं व्हाट इज द पीरियड ऑफ 2 पाई एक्स, इसका पीरियड बताओ कितना आएगा। ये देखो, अगर आप इसके साथ कंपेयर करो तो ये क्या बना, ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी आई 2 पाई, बी की कितनी आई 0, ए की वैल्यू 2 पाई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब आपको पता है ये फंक्शन कौन सा है, साइन वाला फंक्शन है ना ये, तो फंक्शन की पीरियड
पीरियड कितनी थी 2 पाई, तो साइन फंक्शन का पीरियड कितना है 2 पाई, टी की वैल्यू कितनी है 2 पाई, उसको डिवाइड किससे करना है ए के मोड से, ए कितना है 2 पाई, तो 2 पाई से डिवाइड किया आंसर कितना आ गया 1। तो अब साइन 2 पाई एक्स का पीरियड कितना हो गया 1। अगर मैं 2 पाई एक्स प्लस 3 भी कर दूं ना तो भी पीरियड 1 आएगा, क्योंकि बी से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता पीरियड को। देखो जी ये चीज क्लियर। रिपीट कर दो मैम। हाँ जी, ये देखो सर, फंक्शन कौन सा था, साइन, फंक्शन का पीरियड पता होना चाहिए। साइन का फंक्शन कितना है 2 पाई। अगर फंक्शन में एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाए, देखो फंक्शन तो है मेरा साइन एक्स, इसका पीरियड है 2 पाई, पर मैंने एक्स की जगह क्या कन्वर्ट कर दिया, बोलो एक्स की जगह क्या आ गया, 2 पाई एक्स प्लस 3। इसको इससे कंपेयर करो तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये देखो, अगर फंक्शन का पीरियड टी है तो ए एक्स प्लस बी वाले का कितना आएगा, टी को डिवाइड कर दो ए के मॉड से, ए कितना हुआ इस केस में 2 पाई। अगर इसका 2 पाई है तो इसका कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, आंसर आ गया 1। ठीक है, समझ आया। ठीक है मैम। ऐसे आप कॉस 2x का जल्दी बताओ कितना पीरियड आएगा, कॉस 2x पाई मैम। वेरी गुड, बाकी भी करो। देखो सबको क्लियर है। हाँ जी, हो गया ये सबका, कॉस 2x वाला हो गया भाई। कॉस का पीरियड हाँ जी, निकालो, उसको 2 यस से मैम। डिवाइड कर दो, कितना आ गया आंसर। भाई अब आप ना एक बार साइन का ग्राफ देखो, क्योंकि ये पीरियोडिक होता है ना, ऐसा है इसका ग्राफ, ये अपने आप को बदल रहा है, जैसे यहाँ पे ऊपर है तो उतना ही यहाँ पे ऊपर है, इतना ही पीछे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, एक थ्योरम है कि अगर कोई मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन नेवर पीरियोडिक, तो वो कभी पीरियोडिक नहीं होता, तो वो कभी पीरियोडिक नहीं होता। जैसे कि कोई भी आप फंक्शन दिमाग में सोचो जो इंक्रीज कर रहा है, मान लो ये वाला है इंक्रीज करता जा रहा है, क्या वो पीरियोडिक होगा। देखो पीरियोडिक के लिए क्या चाहिए, अगर यहाँ पे वैल्यू 1 आई थी तो दोबारा 1 चाहिए, 1 के बाद 1 चाहिए, कब आएगी 1, अगर एक बार 1 लेके नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा तो 1 लेके नीचे आएगा, मतलब कि जो ग्राफ है उसको कभी ना कभी अपनी वैल्यू से नीचे आना पड़ेगा, तभी तो दोबारा उस वैल्यू पे जाएगा कि नहीं। ये चीज समझ आई, मान लो कोई ग्राफ है वो नीचे ही नहीं आ रहा, उतरा ही नहीं नीचे, अगर यहाँ पे एक बार इसने वैल्यू 1 ले ली तो दोबारा 1 तभी आएगी ना अगर नीचे को उतरेगा। अब जो इंक्रीजिंग है बढ़ता ही जा रहा है, नीचे को उतर ही नहीं रहा, वो पीरियोडिक होगा, नहीं मैम, वो नो मैम। कभी पीरियोडिक नहीं होगा। तो ये चीज याद रखना कि या तो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, तो वो कभी पीरियोडिक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यही वाला ग्राफ है, एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसी के साथ, ये मान लो डिक्रीज ही कर रहा है नीचे को,
ऊपर ही नहीं आ रहा। अगर अगर इसने यहाँ पे वैल्यू माइनस टू ली है से एक्स की, ये दोबारा माइनस टू तभी लेगा ना अगर नीचे जाने के बाद ऊपर को आएगा, तभी तो माइनस टू की पॉसिबिलिटी बनेगी। जब ये जा ही नीचे को रहा है तो दोबारा आनी नहीं वैल्यू, दोबारा नहीं आनी तो पीरियडिक नहीं। पीरियड का मतलब ही यही है कि वो दोबारा वो वाली वैल्यू ले। ठीक है, तो यहां से बताओ ई रेस टू पार एक्स पीरियडिक होगा? नो मैम, ये ऊपर को ऐसे इंक्रीज कर रहा है मोनोटोनिकली, जब कभी नीचे उतरा ही नहीं तो दोबारा वैल्यू गेन कैसे करेगा? नहीं करेगा, इट इज नॉट पीरियडिक। तो इस रीजन से याद रखना कि ये पीरियडिक क्यों नहीं है, ये आता है पेपर में कि पीरियडिक है कि नहीं है, इस रीजन से क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है। ऐसे लॉग फंक्शन बताओ पीरियडिक है? लॉग का ग्राफ कैसे था? नो ऐसे करके ऊपर को ऐसे, कभी नीचे उतरता ही नहीं, तो इट इज नॉट पीरियडिक। ठीक है, एक जो वन रेज टू पावर एन, वन रेज टू पावर एन, एन तो कहां से आ गया? नहीं, वन रेज टू पावर एन जो आप रखिए कोई फंक्शन, वन रेज टू पावर, वन रेज टू पावर एक्स, एक्स नहीं, वन नहीं सॉरी मैं, वन ओवर एक्स, वन ओवर एक्स, इसका कल ग्राफ कराया था ये वाला। हाँ जी, एवी पीरियोडिक नहीं है ना, यहाँ ये इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, क्या ये इंक्रीज करने के बाद ऐसे दोबारा नीचे आया? नहीं, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज, तो ये भी पीरियोडिक नहीं है। इवन पॉलिनोमियल फंक्शन कोई भी पीरियोडिक नहीं है। साइन कॉस वाले आएंगे सारे फिर? हाँ जी, साइन कॉस टैन वगैरह सारे आएंगे पीरियोडिक में। अब आपको ये लग रहा है कि साइन कॉस टैन वाली पीरियोडिक है और तो कोई होता नहीं। अब देखते हैं अगला, ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल फंक्शन कराया आज। क्या थी इसकी डेफिनेशन की? एक्स में से ये माइनस कर दो, ये फ्रैक्शनल, ये बताओ पीरियोडिक है? पीरियोडिक का मतलब क्या है? कि ये अपनी वैल्यू को बार बार ले बदल बदल के, बोलो। आएगा मैम ये, ध्यान से देखो। अब 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट बोलो, तुम बोलो, चलो 0.5। अब तुम बताना कि 0.5 दोबारा वैल्यू कब आएगी? जब 2.5 आएगा तो कितनी आएगी वैल्यू? 0.5 ही आएगी मैम, 0.5। अगर 3.5 हुआ तो? 0.5। 4.5 हुआ तो ये अपनी वैल्यू को दोबारा से ले रहा है, 0.5 बार बार ले रहा है, पर कितने टाइम बाद ले रहा है? 1.5 और 2.5 में कितना गैप है? 1 का, ऐसे यहाँ पे 1 का, यहाँ पे 1 का, तो एक 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 के गैप के ऊपर ये अपनी वैल्यू को दोबारा से रिपीट कर रहा है कि नहीं, बोलो। तो फ्रैक्शनल फंक्शन जो है इसका पीरियड हो गया 1, इसका पीरियड 1 है, जबकि आप देखो कि अगर 1.5 में आप 2 ऐड कर दो तो 3.5 आ जाएगा, तब भी इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो 2 ऐड करने से भी सेम वैल्यू आ रही है, 1 ऐड करने से भी, 3 ऐड करने से भी, पर इन सब में से छोटा और पॉजिटिव नंबर कौन है? 1। सो इट इज द फंडामेंटल पीरियड, और इसी को डिनोट किया जाता है, इट इज द फंडामेंटल पीरियड। देखो ये क्लियर है सबको फ्रैक्शनल वाला? हाँ जी। अब आगे आ गया इवन एंड ऑड फंक्शन। अगर किसी फंक्शन में आप एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दो? माइनस एक्स। अगर वो दोबारा आप इसको सॉर्ट करो तो वो एफ एक्स ही रहे, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। ऑड कब होगा? जब आप फंक्शन में एक्स की जगह क्या रखो? माइनस एक्स, और उसको सॉर्ट करो, सॉर्ट करने के बाद माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए, बाहर माइनस निकल आए, तो उसको ऑड फंक्शन कहेंगे। जैसे कि इवन फंक्शन के लिए करते हैं, मान लो आपके पास फंक्शन है
एक्स स्क्वायर, हाँ जी एक्स की जगह माइनस एक्स करो, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आएगी, एक्स स्क्वायर दोबारा से क्या है, एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स ही हो गया, तो ये क्या है इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। आप ये वाला फंक्शन देखो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स करो, चलो कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स खा जाता है ये माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स दोबारा से क्या आया, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, तो इट इज ऑल्सो इवन फंक्शन। इनको साथ साथ लर्न करते रहो, दीज आर बेसिक एग्जाम्पल्स जो ना पेपर में बड़ी काम आएंगी, इवन ऑड में दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि एक तो एक्स स्क्वायर इवन है एक कॉस एक्स, कम से कम इतनी तो याद हो। पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया, सपोज वी हैव अ इवन फंक्शन, उसके लिए क्या होगा, आगे कोई गंदा सा क्वेश्चन आ गया, इवन की आपके दिमाग में पहले कोई एग्जाम्पल होनी चाहिए कि क्या लू जिससे क्वेश्चन हो जाए, तो इवन में एक्स स्क्वायर एंड कॉस एक्स। अब आ गया ऑड फंक्शन, एफ एक्स लो आप माइनस, सॉरी एक्स, एक्स क्यूब ले लो, एक्स भी ले सकते हो एक्स क्यूब भी ले सकते हो, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, माइनस एक्स क्यूब है, माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू एफ एक्स, माइनस एफ एक्स, माइनस आ गया बाहर, तो ऑड फंक्शन भी एक्स की, ये ऑड फंक्शन होते हैं। अगर सर पे इवन आ गया टू सिक्स एट, ये सारे क्या है इवन फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन में एक और अच्छा फंक्शन आता है साइन एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स करो, साइन क्या करता है नेगेटिव बाहर आ जाता है नेगेटिव, साइन एक्स क्या है दोबारा से एफ एक्स, इसमें देखो माइनस बाहर आ गया, बाहर आ गया, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑड फंक्शन। तो इवन, इवन में कौन सा आएगा कॉस और ऑड में कौन सा आएगा साइन, ठीक है जी, क्लियर है। टाइम कितना हो गया, नौ पांच, नौ चार हो गए, 10-15 मिनट और कर लिए बस, फंक्शन आज खत्म है, फंक्शन की आप असाइनमेंट कर लो जो आपको दी हुई है, फंक्शन के बाद सिर्फ रह गया लिमिट, लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी, बस फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपका टेस्ट होगा, साथ साथ क्वेश्चन करते रहना और कल क्वेश्चन जरूर पूछ लेना फंक्शन के। नेक्स्ट आ गया आपके पास सम फंक्शन, फिर आ गया डिफरेंस ऑफ फंक्शन, फिर मल्टीप्लाई, फिर साथ में आ गया मल्टीप्लाई बाय कॉन्स्टेंट मल्टीपल फंक्शन। फिर आ गया डिवाइड फंक्शन, रैशनल फंक्शन। देखो दो फंक्शन आपके पास f और g, आप इनका सम डिफाइन करना चाहते हो, सम, तो इनका सम कैसे डिफाइन किया जाता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, एफ की कोई डोमेन आपके पास डी वन होगी, इसकी अपनी कोई डोमेन होगी, इसकी भी अपनी कोई डोमेन होगी, पर जो ये वाला एक्स आएगा ना जो आप पुट करोगे, ये दोनों डोमेन के कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, तभी तो आप एफ एक्स और जी एक्स निकालोगे। अगर मान लो इसकी डोमेन बड़ी है, आपने एक्स बड़ी में से ले लिया, ठीक है, तो आप एफ एक्स कैसे निकालोगे फिर, ये चीज समझ आई कि नहीं, कि यहाँ पे इंटरसेक्शन क्यों आया, बोलो। मैं एग्जांपल से बताती हूँ, हाँ, जैसे कि लॉग,
प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये फंक्शन को आप ऐड करना चाहते हो। अब देखो इसकी डोमेन क्या है, जीरो टू इंफिनिटी, नेगेटिव ये लिखता नहीं। इसकी डोमेन क्या है, फुल आर। मान लो आप इसको इस आपने एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दी माइनस टू, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी माइनस टू, पर आप एक्स लॉग ऑफ माइनस टू आ गया प्लस ई रेस्ट पर माइनस टू। ई में तो आपने वैल्यू रख दी ठीक है, पर आप क्या लॉग ऑफ माइनस टू निकाल सकते हो, बोलो? नहीं मैम, नहीं। तो इन दोनों जो डोमेन्स है ना डी वन डी टू, इन दोनों का कॉमन पोर्शन लो, इंटरसेक्शन लो, क्या आएगी? दोनों का कॉमन क्या आएगा? जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो टू इन्फिनिटी। अब आप चाहे जीरो टू इन्फिनिटी वाला इसमें रखो चाहे इसमें, दोनों ही आंसर देंगे। तो हमेशा जो डोमेन रखनी है वो क्या रखनी है, इंटरसेक्शन। ऐसे ही डिफरेंस एफ माइनस जी एक्स, ये होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स। इसमें भी आप दोनों डोमेन्स का क्या लोगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि अलग अलग आपने कैलकुलेट करना है। तो दोनों डोमेन्स का क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इज द डोमेन ऑफ द डिफरेंस फंक्शन। तो एफ प्लस माइनस जी, इनकी डोमेन क्या होती है, दोनों डोमेन्स की इंटरसेक्शन। मल्टीप्लाई, आपने दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, एफ एक्स अलग से निकालोगे, जी एक्स अलग से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। इसमें भी सेम है, इसकी डोमेन डी वन डी टू होगी, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, कॉमन डोमेन, ताकि आप दोनों को अलग अलग अप्लाई कर सको। ऐसे अगर कॉन्स्टेंट मल्टीपल, सी को एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब होगा सी एफ एक्स। इसमें तो अकेला एफ ही है, तो कोई डोमेन का इशू नहीं है। नेक्स्ट आ गया एफ बाय जी फंक्शन, तो ऊपर एफ एक्स अलग से, जी एक्स अलग से। पहली बात तो दोनों की डोमेन की इंटरसेक्शन आएगी। इसमें इसकी डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, डी वन इंटरसेक्शन डी टू। और इसमें से आप वो माइनस कर दोगे पॉइंट जिस पे जी एक्स क्या बन रहा है, जीरो। वो पॉइंट एक्स माइनस कर दोगे जिस पे जी एक्स क्या बन रहा है, जीरो। जैसे कि एक्स प्लस वन फंक्शन को आप एक्स माइनस वन से डिवाइड करना चाहते हो, दिस इज द एफ फंक्शन, दिस इज द जी फंक्शन, है ना? तो जब आप इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो तो x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तो आप 1 वैल्यू को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। देखो जी, क्लियर है? कुछ पूछना है तो पूछो। कॉम्पोजिशन हो गया, नेक्स्ट आ गया मेरे पास अनडिफाइंड फंक्शन। कोई भी फंक्शन जब आप उसमें कोई वैल्यू रखो, जैसे कि वो जीरो बाय जीरो बना दे, तो वो अनडिफाइंड फंक्शन है। जीरो इंटू इंफिनिटी बना दे, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, उसके बाद आ गया जीरो की पावर जीरो, वन की पावर इंफिनिटी। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन लो आप एक्स स्क्वायर बाय एक्स, क्या ये डिफाइंड फंक्शन है कि अनडिफाइंड है? या ये वाला लो कॉस ऑफ साइन एक्स, सॉरी एक्स की वैल्यू जीरो रखो, कितना आएगा? बाय जीरो बाय जीरो फॉर्म बन, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई ना, एक यहाँ आएगा इन्फिनिटी की पावर जीरो। तो दिस फंक्शन इज अ अनडिफाइंड फंक्शन। किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो जब भी ऐसी कोई फॉर्म बनेगी तो वो अनडिफाइंड फंक्शन होगा, ठीक है? इसको आगे डिटेल में करेंगे जब हम लिमिट स्टार्ट करेंगे, अभी आपके लिए इतना काफी है। और ऑलमोस्ट फंक्शन खत्म है, इसके कुछ रिजल्ट रह गए कि वन वन फंक्शन कितने होंगे, ए टू बी
वो कल आराम से कराऊंगी ताकि आपके दिमाग में रह जाए प्लस क्वेश्चन के साथ, ठीक है जी? ओके मैम, थैंक यू मैम। बस आप ना अब क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बाद में ये ना कहना फिर लिमिट स्टार्ट हो गई, हमसे ज्यादा नहीं हो रहा। तो आपके साथ सेट थ्योरी फंक्शन के क्वेश्चन कर लो और कल पूछ लेना इसके डाउट्स, ठीक है? ओके जी, ठीक है। मैम हाँ जी, मैम इक्विवेलेंस क्लास बता दो एक बार। इक्विवेलेंस क्लास वो है, आपको रिलेशन दिया होगा अलंकृता, ठीक है? एक रिलेशन दिया होगा। हाँ जी मैम, मैम एग्जांपल में तो हाँ हाँ हो। बोलो बोलो। हाँ जी मैम, आपने जो लास्ट टाइम बताया था उसमें एक एग्जांपल तो समझ आ गई, उसके नीचे वाली पता नहीं मैम, उससे थोड़ा सा गड़बड़। कोई भी रिलेशन ले लो, और ये देखो ए सेट के ऊपर बना लो 1 2 3, 1 1, 2 2, 3 3, 1 2 2 1। पहले तो ये चेक करो जो ये रिलेशन है, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? आपने ये चेक किया इक्विवेलेंस है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव जी है नहीं चाहिए। तो ये करना होता है ना। अब इस केस में आपने 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकाली है, मतलब 1 से कौन कौन रिलेट हो रहा है, 1 से कौन रिलेट हो रहा है, 1 1 से हो रहा है 2, बस 2 से रिलेट कौन हो रहा है, 2 2 से हो रहा है 1, 3 से कौन रिलेट हो रहा है, 3 ओनली, ठीक है? आप ये चेक कर लिया करो कि जो इसकी क्लासेस आई या तो वो डिसजॉइंट होनी चाहिए या आइडेंटिकल, जैसे ये दोनों क्या आ रही है, आइडेंटिकल सेम, एंड ये दो जो क्लासेस हैं दे आर डिसजॉइंट, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो क्लासेस आई हैं वो बिल्कुल ठीक आई है। आ गया अलंकृता समझ? ठीक है मैम। मैम एक्चुअली ब्लर हो गई मेरी स्क्रीन, तो मुझे फिर रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा, कुछ पता नहीं लग रहा था उसमें। अच्छा, आपकी साइड से है या इधर भी है? बाकी आई को डोंट पूछ नो, लो। मेरा हो गया था, मुझे एलिमेंट ही नहीं दिख। हाँ जी, सबके लिए ये हो गया था ब्लर। मैम आपने लिखा ही इतना साइड में था, वहां पे बोर्ड विजिबल ही नहीं था। बोल देते फिर, मैं लिख देती इधर अब मुझे लगा मेरी इस अलंकृत। तरफ से ही है, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग में देखूंगी। साथ के साथ बोल दिया करो, बाकियों को भी ब्लर आ रहा था। गुरप्रीत शिवानी, मैं अब दोबारा लिख दो एक बारी, देखती हूँ ब्लर लिख तो लो, नहीं मैं है। आपको रिलेशन लिखवा देती हूँ। 1 1, 1 1, हाँ जी मैम, 2 2, 3 3, हाँ जी मैम, 1 2 1 3, सॉरी 1 2 2 1। 1 2 2 1, ठीक है मैम। 1 2 2 1 लिख लिया। अब आप 1 की क्लास में लिखो कौन कौन है जिसे 1 रिलेट कर रहा है। मैम 2 और 1, ठीक है, 2 से। टू और वन ही आएगा मैम मैम इसका टू ही है, भी, बस 2 और 1 है मैम। हाँ जी 2 और 1, 3 का सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 है मैम। हाँ जी तो ये इक्विवेलेंस क्लासेस आ गई बस। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हाँ हाँ ठीक।